गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ। ठीक है भाई, चलो पढ़ लेते चैप्टर वन। दो चीज़ें रहती है चैप्टर में, मतलब दो दिन का काम रहता है, एक आज का, एक दिन और चैप्टर खत्म। एक दिन की तो डेफिनेशन रहती है। आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग समझाया जाता है, तो अलग अलग समझा देते पहले, काम दोनों एक साथ ही करेंगे। देखो, दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो है स्टोशियोमेट्री को कैसे डील करें, या व्हाट डू यू मीन बाय स्टोशियोमेट्री, और दूसरा है लिमिटिंग रिएजेंट। अब मेरा काम अगर इन दो टॉपिक का हो, मतलब बताने का हो, तो मैं तो इतना सा बता दूंगा कि ये स्टोशियोमेट्री होती है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब दो मिनट का काम है। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कभी भी समझाता इन टॉपिक्स को, जैसे मतलब बिल्कुल ही इलेवंथ क्लास में ही सोच लेते कि बच्चों को ये चीज़ें ना बताई जाएं, मतलब ढंग से, मतलब सिंपल डेफिनेशन दे के खत्म कर देते हैं चैप्टर को। लेकिन ऐसे नहीं, हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में कि हाँ भाई कैसे काम होता है स्टोशियोमेट्री का, क्या वो बताती है। अच्छा लगेगा, मतलब फिजिकल में डील करना है न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल से डील करना आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं भी एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, तो इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्टोशियोमेट्री क्या कहती है। स्टोशियोमेट्री पहले तो होती क्या है, देखो मान लिया H2 है, वो O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या देता है H2O, पता है सभी को। लेकिन अब फिर हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 2। सीखा तुमने टेंथ क्लास में बैलेंस करना, हो गया बैलेंस। तो देखो, इस H2 के आगे क्या है, तुमने पढ़ा है ये आ गया 2 आ गया, O2 के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है 1, सीखा है तुमने, और H2O के आगे क्या है फिर से 2। तो इसी को बेटा स्टोशियोमेट्री कहते हैं, या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट्स। तो H2 का कितना कोफिशियंट है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट 2, तो इसकी स्टोशियोमेट्री में, इसको वर्ड स्टोशियोमेट्री बोलूंगा, ठीक है। तो इसकी स्टोशियोमेट्री कितनी है, 2 है। अब स्टोशियोमेट्री से कैसे खेलना है वो देखो। स्टोशियोमेट्री से ऐसे खेलना, मतलब ऐसे याद रखना है कि H2 है, क्या है बेटा H2 है, वो अगर 2 मोल होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ हमेशा ही कितने मोल रिएक्ट करेगी, 1 मोल रिएक्ट करेगी। और 2 मोल और ये 1 मोल बन के कितना देंगे आपको, 2 मोल H2O देंगे। तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे कि अगर 2 मोल H2 होगी, 2 मोल क्या होगी H2, तो वो 2 मोल ही H2O दे सकती है, 2 मोल ही क्या दे सकती है आपको H2O। अगर 1 मोल O2 होगी तो आपको कितने मोल H2O देती है, 2 मोल H2O। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो कि 2 मोल H2 जब 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या देगी, 2 मोल H2O देगी, 2 मोल क्या देगी H2O। अब इसी चीज़ को उसने 3 तरीके के न्यूमेरिकल में बांटा हुआ है। एक तो मास का रिलेशन मास के साथ, एक मास का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, एक वॉल्यूम का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। अब ये तीनों चीज़ें कुछ नहीं है, जिसको मोल कंसेप्ट पता है, क्या पता है बेटा मोल कंसेप्ट, उसके तीनों न्यूमेरिकल हो जाएंगे। कैसे होंगे सर, क्या कह रहा है वो, देखो एक में ही पढ़ लेते हैं तीनों। मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल H2 है। अब मोल का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि 1 मोल H2 होने का मतलब क्या है, मेरे पास एक तो इसको मैंने बताया था एटम्स के रूप में बात कर सकता हूँ मैं, इस एटम्स का मतलब ही मास है, और एक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ वॉल्यूम के रूप में, मैंने बताया था ना मोल को ऐसे पढ़ते हैं, रिवाइज करो। तो एटम्स कितने हो गए 1 मोल में, 6.022 × 10⁻³, इतने हो गए H2। तो H कितने हो गए, खाली H हो गए इसका दोगुना, 2 × 6.022 × 10⁻³, कितना हो गया 12.044 × 10⁻²³, इतने हो गए H के एटम। ये तो H2 के मॉलिक्यूल थे H2। अब एक H2 में कितनी H हैं, 2, तो H कितने हो गए टोटल, इतने हो गए। ऐसे ही वॉल्यूम के रूप में बात कर सकते हैं, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 मोल में, 22400 ml, या इसको क्या बोलते हैं 22.4 लीटर, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है इसमें आगे, 1 मोल H2, अब इसको आप कैसे भी बोल सकते हो, इसको ये भी बोल सकते हो कि आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, है ना। मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब H2 का मोलर मास कितना है, 2, H2 का, H का नहीं, H का तो 1 होता है, H2 का कितना है 2, तो 2, और गिवन मास नीचे, और मोल आपने कितने ले रखे हैं 1, कितने ले रखे बेटा 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गिवन मास क्या आ जाएगा 1 × 2, 2 ग्राम आ जाएगा। तो 1 मोल होने के लिए कितने चाहिए, 2 ग्राम H2,
कितने ग्राम सी एच टू, 2 ग्राम H2। तो 2 ग्राम H2 बोल लो या 1 मोल H2 बोल लो या इतने एटम्स ऑफ H2 बोल लो या इतना वॉल्यूम बोल लो, बात तो वही है। तो वो यही कहेगा कि मान लिया तुम्हारे पास बेटा, उसने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि तुम्हारे पास 1.5 ग्राम H2 है, कितनी है ध्यान से समझना, कितनी है 1.5 ग्राम H2। और तुमसे सीधा सीधा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ लेगा पता ऑक्सीजन कितनी यूज हुई, कितनी यूज हुई, ये तो मतलब है मास। और ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी यूज हुई वॉल्यूम में बता, वॉल्यूम भी पूछ सकता है कि कितने ऑक्सीजन वॉल्यूम यूज होगी। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि H2O कितना वॉल्यूम बनेगा, या ये भी पूछ सकता है कि इसके ऑक्सीजन के कितने एटम लगेंगे, ऑक्सीजन के क्या लगेंगे, कितने एटम लगेंगे। तो मतलब कैसे पूछ सकता है, पर घुमाएगा ही नहीं चारों चीज़ों में। तो ये कनेक्ट करना सीख लो बस, ठीक है, ऑक्सीजन कितने एटम लगेंगे, या ये पूछ लेगा कि H2O कितने ग्राम बनेगा, कितने बनेगा ग्राम, तो ये चीज़ें पूछ सकता है। तो ये देखो कैसे निकालें, सिंपल सी कहानी है। देखो कि आपका जो अब इस ml को और यहाँ पे एक जो एक सिंपल वॉल्यूम होता है भाई 50 ml H2O है, वो एक अलग चीज़ है, ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये वॉल्यूम गैसियस फॉर्म का है, ठीक है। और एक अलग वॉल्यूम होता है जो मिलीलीटर में, जैसे कोई लिक्विड होता है तो उसका वॉल्यूम होता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूज मत होना इसके साथ। तो देखो चलो लिक्विड वाला वॉल्यूम भी बता देते हैं, लिक्विड वाला वॉल्यूम क्या होगा, H2 का वॉल्यूम लिक्विड फेज में, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सिर्फ इतना सा दे रखा था, बस दे इतना सा रखा है। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन 2H2 + O2 = 2H2O। सिंपल सी कहानी है, देखो इस 2 से आपको क्या समझ में आया कि आपके पास 2 मोल H2 हैं, कितने मोल है 2 मोल, 1 मोल में उसका मास निकाल लो कितना होता है 2 ग्राम, तो 2 मोल में कितना होगा 4 ग्राम। तो जो 4 ग्राम H2 है, कितने ग्राम 4 ग्राम H2, उसके साथ ऑक्सीजन कितनी यूज होती है 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 32, तो 4 ग्राम H2 होती तो 32 ग्राम यूज होता। अब साथ के साथ ये भी यूज कर, ये भी बताऊंगा इसके साथ ही, समझ लेना, 4 ग्राम H2 होती तो 32 ग्राम यूज हो जाता, लेकिन हमारे पास अगर 1 ग्राम H2 होती तो कितना यूज होता 32/4। और अब मेरे पास 1.5 ग्राम है H2 तो कितना यूज होगा 32/4 गुणा में कितना भाई 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी, 15 × 8 = 120, मतलब 12 ग्राम ही यूज होगी ऑक्सीजन। तो ये पहले वाला तो आ गया, कितनी यूज होगी 12 ग्राम, ठीक है भाई, चलो 12 ग्राम यूज होगी, ये 1.5 ग्राम थी तो ये कितनी यूज होगी 12 ग्राम। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम को भी एक दूसरे के रिलेशन में निकाल लो, कैसे, अगर 2 ग्राम H2 होती तो 2 ग्राम होती तो 1 मोल होता, 2 ग्राम होती 2 ग्राम होती 1 मोल होता, 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता या 2400 ml होता। तो अगर 2 ग्राम होती तो कितना होता H2 का कितना होता आपका, H2 का होता 22400 ml। और अगर 4 ग्राम होती, क्योंकि 2 मोल है ना, रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर 4 ग्राम होती तो इसका दुगना 44800 ml यूज हुआ होता। तो ध्यान दो, 4 ग्राम होती तो 44800 ml यूज हुआ होता, किसका H2 का। और H2 का अगर 44800 ml है 2 मोल में तो ऑक्सीजन का कितना है 1 मोल। तो अगर 1.5 ग्राम H2 है तो 1.5 ग्राम H2 में कितना यूज होगा 44800 × 22400 × 1.5 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम में 2400 ml था, 4 ग्राम में 2400 था तो 1 ग्राम में क्या होगा 44800 × 22400, इसको डिवाइड करिए गुणा में ही आ जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया आंसर, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, शायद गलत कर दिया, चलो दोबारा देख के बताता हूँ। देखो क्या है कि अगर 4 ग्राम H2 होती तो कितना यूज होता 44800, 1 ग्राम होती तो कितना होता 44800/4, और अगर 1.5 ग्राम है तो गुणा में 1.5, हाँ तो ऐसे होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 11200 × 1.5, तो 11200 × 1.5 कितना हो गया
और 11 का आधा 55 हो गया, तो 11 200 गुणा में 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 11 हो गया, 200 का तो हो गया ये, और 5500, तो 11 और 5500 16500, 16800 हो गया, 16800 ml। ठीक है, तो 16800 ml तो आपकी 1.5 ग्राम में क्या आ गई, 2 ग्राम में कितनी थी 2200, 1.5 ग्राम में कितनी होगी, ये 4 ग्राम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 4 ग्राम और ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे रिलेशन में है, तो 1.5 ग्राम में कितनी यूज हुई वो 16800 ml। ठीक है भाई, चलो अब आगे देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये वाला कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाए, वॉल्यूम वाला, ठीक है, क्योंकि ये इसी पेज पे लिखा हुआ था, ये मैं सोच रहा कि घिचमिच कर रहे हैं सर। देखो, अगर 44800 ml हाइड्रोजन होती, क्या होती, हाइड्रोजन 2 मोल होती मतलब, तो ऑक्सीजन कितनी होती 22400 ml, क्योंकि वो तो एक ही मोल है, 2 मोल के साथ क्या है 1 मोल, तो अगर 1 ml होती तो कितनी हो जाएगी 22400 बटे में 1, और अगर वो 16800 है तो कितनी हो जाएगी 22400 बटे में 16800, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 56 का 200 24, 56 3 268, तो 4/3 जो उसका है आज का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी क्या कर दिया मैंने, 44800 ml होती तो वो 22400 ml होती, तो 1 ml होती तो 22400 बटे 44800, मेरा दिमाग कहाँ चला गया, तो यहाँ पे तो आएगा 44800 और गुणा में, चलो इसको दोबारा करवाता हूँ। देखो, अगर 44800 ml H2 होती तो ऑक्सीजन कितनी होती 22400 ml, थोड़ा सा शांति बनाए रखनी होती बेटा इनमें, ऑक्सीजन कितनी होती 22400 ml, 1 ml H2 होती तो कितना होता 22400 बटे में 44800 ml ऑक्सीजन, और अगर 16800 ml ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन ही है आपके पास, तो आप कितना यूज करोगे उसका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना 22400 बटे में 44800 गुणा में 16800, 2 0 से कट गई, 2 0, बाकी इसको कर लेंगे सोल्व। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आए मेरे को बता देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। ठीक है, 1.5 ग्राम H2 के साथ, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसके बाद क्या रह गया, अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम हो गया, अब हमें H2O का वॉल्यूम निकालना है, H2O कितना बनेगा बेटा, 2 मोल था तो 2 बन रहा था, तो अगर ये 16800 ml है 1.5 ग्राम में, कितनी है 16800, तो ये भी कितनी बनेगी 16800, तो मोल से मोल का सीधा कनेक्शन है, 2 है तो 2, ये जितना वॉल्यूम तो इतना ही वॉल्यूम, तो सीधे सी बात है इसका आंसर कितना आ गया, H2O कितने वॉल्यूम है 16800 ml। ठीक है, ये गैसियस वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है, गैसियस, लिक्विड का कितना वॉल्यूम होगा, जितने वो ग्राम बनेगा लिक्विड में, ये जो ग्राम है लिक्विड में उतना ही वॉल्यूम होता है, क्योंकि H2O की डेंसिटी क्या होती है 1, अब कितना H2O बनेगा, अब ये 1.5 था, डेढ़ को छोड़ो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो स्टोइकोमेट्री को चलाना सीखो, 2H2O + O2 गिव राइज टू 2H2O, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, सॉरी H2 है यहाँ पे, देखो 2 × 4 ग्राम अगर H2 होती तो ये कितना बनता H, और H2O का कितना मास होता है 18 18 गुणा में 2 कितना हो गया 36, तो अगर 4 ग्राम H2 होती तो H2O कितना बनता 36 ग्राम, तो अगर 4 ग्राम होती तो कितना बनता 36 ग्राम, अगर 1 ग्राम होती तो 36/4, और है कितनी आपके पास हाइड्रोजन 1.5, तो 36/4 गुणा में क्या आ गया 1.5 × 4 = 36, तो 15 × 135, तो कितना बनेगा 13.5 ग्राम H2O बनेगा, तो H2O कितना बनेगा 13.5 ग्राम, तो उसी चीज़ को घुमा रहा है, 13.5 ग्राम क्या बनेगा आपको H2O बनेगा, तो H2O का ग्राम कितना आ गया 13.5, वॉल्यूम वाला लिक्विड वाला वॉल्यूम भी कितना आ गया 13.5 ml, 13.5 ml आ गया, 13.5 ml क्यों आया, क्योंकि ये लिक्विड है, जितना ग्राम उतना ही लिक्विड, लिक्विड वाले क्या, अब वो बोल रहा है ऑक्सीजन के एटम कितने यूज हुए होंगे, ऑक्सीजन के एटम ये भी पूछ सकता है, तो देखो सिंपल सी कहानी है, अगर 2 मोल H2 थी तो 2 मोल H2 में कितने हो गए उसके 12.044 गुणा में 10^23 एटम, एटम नहीं हाँ इतने एटम 2 मोल में, 1 मोल में सॉरी इसका भी डबल, 1 मोल में H2 कितने थे, 1 मोल में, 1 मोल में कितने H2 थे, H2 तो इतने थे, H कितने थे, H एटम इतने थे, ठीक है, तो 1 मोल में H H एटम कितने थे 12.044,
तो 2 मोल मैच कितने होंगे? 2 × 12.044 × 10³³ कितना आ गया? 44.088 × 10³³ इतने एटम। ये 2 मोल की बात है बेटा, लेकिन क्या आपके पास 2 मोल है? नहीं। 2 मोल तो तब होता ना जब आपके पास 4 ग्राम होता। क्या आपके पास 1 मोल है? नहीं। 1 मोल कब होता? जब आपके पास 2 ग्राम होता। आपके पास क्या है? आपके पास तो 1.5 ग्राम है और उसका मास कितना है? 2। तो यहाँ से कितना आया? 0.75 मोल। 0.75 मोल आपके पास सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर 1 मोल होती हाइड्रोजन तो कितना होता? कितने उसमें एटम होते? 12.044 × 10³³ एटम होते, है ना। अब अगर 0.75 मोल है तो इसके मल्टीप्लाई में 0.75 कर दो, 10³³ एटम, तो गुणा में ये जो एटम है इसके मल्टीप्लाई में कर दो 0.75, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9.033 × 10²³ एटम। कहने का मतलब ये है कि 1.5 ग्राम H2 आपको जो दे रखा है उसी में H निकाल लो। 1.5 ग्राम H2 में कितने हो गए आपके H? 9.033 × 10³³ एटम हो गए, इतने हो गए। अब जो रिएक्शन है वो क्या कह रही है? देखो स्टोइकोमेट्री क्या कह रही है, क्योंकि अब हमें खेलना स्टोइकोमेट्री से। स्टोइकोमेट्री कहती है कि अगर इसके 2 होंगे तो इसका 1 ही यूज हुआ होगा, इसके 2 यूज हुए होंगे तो इसका क्या यूज हुआ होगा? 1। सिंपल सी कहानी है। तो ऑक्सीजन कितने यूज हुए होंगे? उसका आधा कर दो। तो ऑक्सीजन कितने यूज हुए होंगे? इसका आधा 9.033 × 10³³, इसका भी क्या कर देंगे? हाफ। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4.665 × 10³³ इतने ऑक्सीजन यूज हुए होंगे। इसको डिवाइड करके देख लेना, या तो मेरे हिसाब से ठीक है ही 40 × 90 में, नहीं 90 है, 4.565 आ गया क्या? 33 का क्या होगा? 165 165, ये आंसर आएगा 4.5165 × 10²³ ऑक्सीजन। वैसे डिवाइड करके देख लेना क्या आंसर आएगा। तो ये हमारी ऑक्सीजन भी होगी, तो मतलब वो कैसे भी घुमा सकता है स्टोइकोमेट्री को ही। किसको बेटा? स्टोइकोमेट्री को। तो ये था स्टोइकोमेट्री का ऐसे खेलना कि 2 के साथ 1 मोल, तो वो आप वहीं से निकाल सकते हो मोल वाले कंसेप्ट से। मोल वाला ही कंसेप्ट लगाना और कुछ नहीं है, बस इसको देख के ऐसे चलना है कि आप किसी चीज़ का डायरेक्ट आंसर कर पाओ। मतलब आपको ये पता चल गया कि भाई ये 2H2 थे, एक O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लिया ये अगर 12 हैं तो ये कितने यूज हुए होंगे? 6, क्योंकि इसका आधा है। ये कितने बनेंगे? 12 ही बनेंगे, क्योंकि 2 ही बन रहे हैं, तो ये 12 थे तो कितने बनेंगे? 12। तो इस तरीके से खेलना है, इस रेशियो में खेलना है, रेशियो में ही खेलना है, ये स्टोइकोमेट्री है, ठीक है। तो मास मास ही पूछ सकता है, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी कन्वर्ट करा सकता है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करा सकता है। कि ये अभी मैंने वॉल्यूम का ही बता दिया कि H2 का इतना वॉल्यूम था, ये इसका वॉल्यूम, तो ये सारे मैंने एक ही में कंसेप्ट में कर दिए। इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब एक लिमिटिंग रिएजेंट बता देता हूँ क्या होता है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन ये दी जाती है सिंपल सी शब्दों में, तो ये बोलते हैं कि सुनो, H2+O2 गिव राइज टू H2O, बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मान लिया 4 ग्राम है और ये मान लिया 32 ग्राम है, कितना मिलके देंगे? अगर दोनों पूरे रिएक्ट हो गए, ये 0 हो गया, 0 रह गया, तो ये कितना बन गया? 36 बन जाएगा। सबको पता हो गया, ये बात बता दी थी पहले भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब देखो काम की बात क्या है कि अगर अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन तो 4 ग्राम है, जो 4 होता है वो छोटा होता है ना 32 से, तो रिएक्टेंट में जो कम होता है, रिएक्टेंट में क्या होता है? कम। उनको हम सिंपल शब्दों में कह देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है, आपको ऐसे डेफिनेशन ऐसे नहीं पढ़नी। अब अगर मैं सिर्फ इस रिएक्शन की बात करूं तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। डेफिनेशन में यही बताते हैं कि जो रिएक्टेंट में जिसकी अमाउंट कम होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, रिएक्टेंट में लिमिटिंग मतलब लिमिट मतलब कम मात्रा में, है ना, जिसपे पाबंदी लगा रखी हो। रिएक्टेंट में जो जितना चाहिए था दूसरे रिएक्टेंट के हिसाब से, उसके मुकाबले कम है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगी तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 32 ग्राम।
और तभी क्या बनेगा 36 ग्राम। अब अगर हाइड्रोजन मान ली 4 ग्राम है और ऑक्सीजन मान ली मेरे पास है सारी 16 ग्राम, तो क्या मुझे बताओ जो H2O है, बने तो वो 2H2O का लिखना ऐसा ही पड़ेगा, लेकिन क्या वो H2O 36 ग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। क्या वो कितना बनेगा फिर? एक आधा सोच रहा होगा, 16 और 4 20 ग्राम बनेगा जी। नहीं बनेगा बेटा 20 ग्राम। कैसे? क्योंकि बेटा फिर से वही स्टोशियोमेट्री का ही खेल है, वही चला के देखो। देखो 4 ग्राम बैलेंस रिएक्शन को देखो, पहले सबसे पहले किसको देखो, बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन क्या कहती है? 4 ग्राम होता 32 ग्राम होता तो 36 ग्राम होता, बैलेंस रिएक्शन ध्यान में रखनी है। तो अगर 4 ग्राम H2 होती तो ऑक्सीजन कितना चाहिए था? 32 ग्राम, है ना। तो इसका मतलब है अगर 2 ग्राम H2 होगी तो ऑक्सीजन कितना चाहिएगा? 16 ग्राम। ये रेशियो है, इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे वो, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन 16 ग्राम है, ऑक्सीजन तो उसके साथ हाइड्रोजन कितना यूज होगा? 2 ग्राम, और 16 और 2 मिलके तो कितना बनाएंगे? 18 ग्राम। तो आपसे ये पूछ ले कि H2 कितना बनेगा, 18 ग्राम बनेगा, कौन है? H2O। तो ये आंसर है, 16 और 4 20 नहीं करेंगे। तो सर अब ये तो वो नहीं लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा क्यों नहीं बेटा? आपके पास मान लिया हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, ठीक है। जब वो रिएक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? रिएक्ट। तो जो ये है ना 4 ग्राम, ये 2 ग्राम ही बच जाएगी, और ये 16 ये पूरी रिएक्ट हो जाएगी और बनेगी कितनी? टोटल H2 बनेगा 18। तो 18 ग्राम प्रोडक्ट, 2 ग्राम रिएक्टेंट, टोटल अब भी कितना हो गया? 20 ग्राम। पहले भी कितना था? 16 और 4 20 था। तो ये ऐसे है कि आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी? 32। लेकिन हाइड्रोजन तो पूरी 4 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन पूरी उसके हिसाब से 32 ग्राम नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्शन है, क्या है बेटा आपकी जो रिएक्शन है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी। इसके हिसाब से चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, इसके हिसाब से चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी। इसका क्या मतलब है सर? देखो बेटा, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन होती तो 36 ग्राम H2O बनता। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगी तो कितना बनेगा? 36/32, है ना। और अगर 16 ग्राम होगी तो कितना बनेगा? 36/32 गुणा में 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 गुणा में ये आ गया 18। तो आंसर कितना आया? 18 ग्राम H2O। तो ऑक्सीजन बताएगी कितना H2O बनेगा। तो जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ रिएक्शन को कौन चलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट चलाएगा अब, क्योंकि प्रोडक्ट तो सॉरी जो दूसरा रिएक्टेंट है वो तो काफ़ी मात्रा में है, उसको मतलब नहीं है, ठीक है। इसको देखना कि कितना क्या बनेगा, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट, थोड़ा ध्यान से पढ़ना लिमिटिंग रिएजेंट को। अब एक सवाल वर्क करके दिखाओ मेरे को कि N2+3H2, बैलेंस भी मैं करके दे देता हूँ, 2NH3 है, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन है आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको कि नाइट्रोजन है आपकी 28 ग्राम, नाइट्रोजन आपके पास कितनी है? 28 ग्राम। और ऑक्सीजन है आपके पास 10 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? 10 ग्राम। तो मुझे बताओ, एक तो NH3 कितनी बनेगी, NH3 कितनी ग्राम में बनेगी, दूसरा बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दूसरा क्या बताना है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। फिर तीसरा बताना है लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट है, ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वो कितना बचा रह जाएगा, कितना बचा रह जाएगा। तो ये तीन तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाने हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उससे अलावा जो रिएक्टेंट रह गया वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो वो कितना बचेगा टोटल में से, और NH3 कितना बनेगा, कितने ग्राम। तो ये आपको करके दिखाना है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये था आज का काम, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकोमेट्री, मोल के साथ ही खेलना और कुछ नहीं है। बस थोड़ा समझना था लिमिटिंग रिएजेंट में, समझना था कि जो दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जिस रेशियो में रिएक्ट करते हैं, अगर एक रिएक्टेंट ज़्यादा मात्रा में है उस रेशियो के हिसाब से, दूसरा उससे कम है, तो कम वाले को क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये था काम, अब रहेगी डेफिनेशन और चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू।